नगर निगम द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इसी कारण विरोध में बंद है। बताने करता है उन्हें, रोड पर लगाओ, यह करो, वह करो, फलना करो, ढकना करो, यहाँ है, वहाँ है। हम लोग को लाइसेंस भी दिया गया, हम लोग लाइसेंस की जगह पर दुकान पर है, फिर भी नगर निगम द्वारा आते हैं तो हम लोग करता है, दिक्कत करता है। और शाम को कहते हैं कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लगाओ, ऐसी तालिबानी फरमान बोल दिए हैं, कोई उसका माने मतलब है नहीं। ग्राहक भी रोडे पर आते हैं, बांदर कोई सुविधा नहीं है, कहीं से ना घुसने का जगह है, ना कहीं से निकलने का, ना पानी का, ना शौचालय का। हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। सारा ही मॉल, इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, 10 बजे का बंद करके चल जाएगा, अगर कोई राहगीर को 11 बजे की जरूरत पड़ेगा तो उसका सेवा करने के लिए हम लोग रोड पर रहते हैं। यादव का लहर अब की बार जबरदस्त है, लहर तो बहुत है, अब की बार उसका चार से निकल जाएगा पूरा। प्रशासन को चाहिए कि जरा गरीब आदमी को ध्यान में रख के कोई काम करे, ऐसी कोई भी फरमान सुना देना ठीक बात है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। चुनाव का जहां माहौल है वहीं पर अब बाजारें बंद हैं, मौजूद हैं बोरिंग रोड के पास में, बोरिंग कनाल रोड में, जहां पर बाजारें बंद पड़ी हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या समस्याएं हैं यहां पे, क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कुमार। तो अभिषेक जी, ये दुकानें इस तरीके से बंद क्यों हैं? नगर निगम द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इसी कारण विरोध में बंद है। वो बोलते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक लगाओ, यहाँ ग्राहक 9 बजे सुबह से आते हैं 11 बजे 12 बजे तक, तो कैसे, मतलब 5 बजे जो सो के उठेगा कैसे उठेगा। और शाम को कहते हैं कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लगाओ, ऐसी तालिबानी फरमान बोल दिए हैं, कोई उसका माने मतलब है नहीं। 2 घंटे में कितना दुकानदारी होगा, क्या कमाएंगे, 1 घंटा तो लगाने में चला जाएगा समय, और 10 बजे उठा देना। कल लगाए हुए थे तो वो कह रहे हैं कि अब हटाओ, नहीं तो ठेला उला तोड़ तार के हटा देंगे, 10 मिनट का टाइम देते हैं। तो यही सब है, 10-15 दिन से यही सब हो रहा है। मतलब नहीं तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को समस्या क्या है दुकानों से? समस्या देखिए, उनका अपना अलग प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है रोड तो जाम होगा ही, लेकिन ये लोग मतलब टारगेट कर रहे हैं कि ठेला वाला सब्जी वाला के चलते जाम हो रहा है। अरे हम सब तो शाम को लगाते हैं, 2-4 घंटा हटा लेते हैं, थोड़ी ना अतिक्रमण कर रहे हैं, साइड होके लगाते हैं अपना 2-4 जो कमाते हैं। अब उनका कहना है कि रात को तुम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लगाओ, 3 घंटा में क्या कमाएंगे, 3 घंटा में तो पूंजी भी नहीं बाहर होगा। यही सब के विरोध में बंद है आज, देखिए 23 से लेकर 25 तक बोला है, देखिए क्या दिन बंद रहता है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जरा गरीब आदमी को ध्यान में रख के कोई काम करे, ऐसी कोई भी फरमान सुना देना ठीक बात है ना। हल्ला गाड़ी वाला परेशान करता है, करेगा हल्ला गाड़ी वाला परेशान करता है, उन्हें रोड पर लगाओ, ये करो, वह करो, फलना करो, ढकना करो, यहाँ है, वहाँ है, सब गरीबों पर परेशानी है, जितना परेशानी है सब गरीब पर। अरे 2 घंटा 3 घंटा में कितना बेचलेगा, कितना में जो कितना तो भूखे भूखे मर गया। वही तो मेरा कहना है, गुजारा कैसे चलेगा अगर वही, कितना भूखा मर गया, कितना कितना आदमी पॉइजन खा गया भूख से, उसका बाल बच्चा भूखे मरने लगा तो क्या करेगा। हाँ तो कितना उन्हें पॉइजन खा के सब बाल बच्चे, वो गांधिया मैदान में बाल बच्चे छूट गया पॉइजन खा के। इस हड़ताल में आप लोगों की मांग क्या है सरकार? मांग है कि पूरा फूल बेचने के लिए पूरा, मतलब 2-3 घंटा नहीं जैसे पहले बिकता था वैसे बेचने के लिए हम लोग को चाहिए। अच्छा, ये चुनाव के समय में इस तरह से करना क्या इंगित करता है? इंगित हम इंग्लिश नहीं समझते, हमको तो चुनाव अथि में नहीं, हमको हिंदी में बोली तो हम समझेंगे नहीं। तो मतलब चुनाव के समय में ऐसा जो हरकत किया जा रहा है, इससे असर पड़ेगा ना? असर पड़ेगा कि सरकार को कोई वोट नहीं देगा। हाँ, ये सरकार को कौन वोट देगा? जो जो हरकत कहाँ से हो गई, हम लोग हरकत कहाँ कर रहे हैं? चुनाव कुछ समय रहते हुए भी हम लोग कहाँ हरकत, कोई आंदोलन कर रहे हैं? कोई तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो ये हरकत है, हाँ, चुनाव के समय में वो, हाँ, कितना प्रभाव बहुत डाल सकता है, बहुत, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी नगर आवास विभाग में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, अगर हमारे न्यूज़ को देखेंगे तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि हम लोग को पूरी समय की छूट दिया जाए, जितना देरी तक हम लोग बेच सकें, उनका जवाबदेही सरकार के ऊपर है, जो हम लोग के सुरक्षा सरकार के ऊपर मिले, ताकि हम लोग खुल के बिजनेस करें। हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। सारा ही मॉल, इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, 10 बजे का बंद करके चल जाएगा, अगर कोई राहगीर को 11 बजे की जरूरत पड़ेगा तो उसका सेवा करने के लिए हम लोग रोड पर रहते हैं। हम लोग फुटपाथी हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कि अतिक्रमण है।
हम लोग नहीं चाहते कि इसके बारे में हो। अब सरकार की जवाबदेही है, सरकार गाड़ी कहाँ लगाएगा, कहाँ पार्किंग बनाएगा, कहाँ पब्लिक को सुरक्षित जगह देगा, उनको चिन्हित करना है। हम लोग को लाइसेंस भी दिया गया, हम लोग लाइसेंस की जगह पर दुकान पर है, फिर भी नगर निगम द्वारा आता है तो हम लोग प्रतिवती करता है, दिक्कत करता है, ये तिरपाल नहीं हटा दो, कभी कुछ हटा दो, कभी कोई चीज़ बहाना लगा के हम लोग पर किसी तरह दबाव बनाते रहते हैं। तो अब की बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे? देखिए, इस बार तो हम लोग बिहार का नहीं देख रहे हैं, हम लोग तो सरकार ऊपर का सरकार देख रहे हैं, हम लोग तो खुल के बीजेपी समर्थक हैं जी। काहे को काम किए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं, कौन चीज़। अभी यहाँ हमारा घर तो हुआ अरवल जिला, पहले जहानाबाद जिला में था, अभी गाँव गाँव में जाके देखिए किसी चीज़ का कोई कमी टाउन में और गाँव में कोई फर्क नहीं है। जहाँ बद्धोपुर सनारी नरसंहार हुआ था, बाते नरसंहार हुआ था, सब जगह प्लॉट बन गया, कहीं भी कुछ होगा 10 मिनट के अंदर अंदर थाना पुलिस पहुंच जाता है। अब उसमें भेदभाव नहीं रहा, लाइन बिजली पानी शौचालय हर चीज का सुविधा प्रधानमंत्री से मिला है। इसमें हम लोग सरकार प्रभावित नहीं है, सरकार के हम लोग समर्थक हैं। आने वाला समय फिर दिखा जाएगा बिहार सरकार में, अगर हम लोग को सही सलामत रखेगा, उचित निर्णय लेंगे तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, नहीं तो फिर तो दरवाज़ा कहीं ये है। अच्छा, शिक्षा वगैरह कैसा है? शिक्षा बिहार में तो थोड़ा सा मनमानी सरकार के चलते हुआ है, अगर सरकार एक तरफ रहता बीजेपी के साथ है तो शिक्षा बहुत बढ़िया से सुधार आ जाता, वो सरकार इधर से उधर होने में शिक्षा व्यवस्था थोड़ा घबराया है। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार कोई गलती की है, जो नियोजन टीचर का बहाली किए थे उसमें उनमें कमी उनको हुआ है कि वो लिखाए थे कि फर्स्ट अप्लाई किया वो फर्स्ट नहीं आएगा तो सेकंड के दिया जाएगा और सेकंड थर्ड के दिया जाएगा। आप में काबिलियत है, आपने 4 जगह 10 जगह अप्लाई किया, जहां आपको सुविधा बुझाएगा 10 जगह नियोजन में आप आ गई हैं, और कहीं जहां घर का बगल में है तो वहीं ना ड्यूटी करना चाहेंगे। अब तो वहां से आप बगल में धर लिए, दूसरा जगह अप्लाई किए थे वहां जब भी नियोजन फर्स्ट में आप पड़े हैं तो आप वहाँ नहीं गए तो वहाँ सेकंड वाला चल जाएगा, आपसे जूनियर के वहाँ लिया, जूनियर के हो गया तो थर्ड उससे भी जूनियर के लिया गया, तो ये तो सरकार की लापरवाही है। यहाँ पर मेरिट पर टीचर को बहाली किया जाना चाहिए, और किसी हो या नहीं, शिक्षक तो ज्ञान ही नहीं है, वो आदमी क्या पढ़ेगा। मेरिट देखिए, टैलेंट देखिए, ज़्यादा हो तो कंपटीशन पर करवाइए, टीचर को कंपटीशन से लीजिए, वो उतनी सुंदर रहेगा। लेकिन पढ़ल लिखा रहेगा तो पढ़ेगा, और खुद पढ़ल नहीं है तो क्या पढ़ेगा बच्चा लोग का। चलिए, अब की बार एक और चीज़ देखने को मिला कि चुनाव में बहुत कम लोग वोट डालने जा रहा है, क्या लगता है आप लोगों को? सरकार का गरीबों, देखिए मेन है हम लोग गरीब लोग के लिए कुछ ऐसा योजना भी नहीं है, और गरीब लोग को एकदम सैड कर दिया जा रहा है, कुछ उसका बातें नहीं सुनना। नहीं, लेकिन ये कह रहे थे कि नल वल है, व्यवस्था है, रोड, वो सब ठीक है, लेकिन जो बिजनेस के हम सब, देखिए हम लोग रोड पर है बिजनेस करने वाले, तो उसको कम से कम मतलब तंग नहीं करे, आए दिन आके तंग करना हम लोग को मेन वही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस करेंगे तब ना 2 पैसा कमा के खाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, और 2-3 घंटा दुकानदारी करके कहाँ से हम क्या करेंगे। अब जो नगर निगम के आते हैं वो सब अपना धांधली करते हैं, जब मतलब आप लोगों को लाइसेंस वगैरह सब मिला? हाँ, सब मिला हुआ, तब पर भी अपना शौचालय भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वो कहते हैं कि वेंडर जोर बनाएंगे, तो अरे बना उना के सबको कीजिए अंदर, रोड पर कौन चाहेगा बेचने के लिए, अंदर कुछ सुविधा नहीं है तो सब चल जाता है रोड पर, ग्राहक भी रोडे पर आते हैं, अंदर कोई सुविधा नहीं है, कहीं से ना घुसने का जगह है, ना कहीं से निकलने का, ना पानी का है, ना शौचालय का है, रोड पर आते हैं, रोड पर लेके जाते हैं, प्रॉब्लम यही है। चलिए, तो क्या नाम है भैया आपका? भैया हमको मत बोलिए, हम पूर्णिया का है, हम लोग फाइलिंग वाला है। नहीं तो फिर भी वोट डालेंगे ना जी आपकी बार? हम लोग देखिए डालेंगे। तो कामकाज किसका ठीक लग रहा है? काम काज तो जो सरकार अच्छा करता है उसको देंगे, हाँ जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे, जिसको देखते हैं बहुत दिन से, अब तो देखना है कि अब कौन अच्छा काम करेगा। आप पूर्णिया से? जी। पप्पू यादव का लहर अब की बार जबरदस्त है, लहर तो बहुत है, आपकी बार उसका चांद से निकल जाएगा, पूरा पूरा भरोसा है। हाँ, तो संतोष कुशवाहा सिटिंग सांसद है इनका, वो तो देखिए सर, वो इतना दिन से देखे हैं हम लोग, एक बार भी फील्ड घूरने के लिए नहीं आता है कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, विकास का कुछ नहीं दिख रहा है। भाई, बीमा भारती के बारे में क्या ख्याल है राजद से? इसका बारे तो हमने कह सेंगे, बाकी हम लोग का इरादा है कि पप्पू यादव को निकालना है बस। पप्पू यादव जी काम काज करेंगे? पप्पू यादव जी करेंगे,
कहीं भी कुछ होता है वो तो गरीब के लिए वो जान दे देता है, तुरंत पहुंच जाता है। और कोई सा नेता ऐसा नहीं है कि वो जाएगा, लेकिन वो रात 12 बजे भी जरूरी पड़ेगा वो जाके वहाँ पहुँच जाता है, ऐसा नेता है जी। चलिए तो दूसरे चरण में पूर्णिया का भी चुनाव है, 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में पप्पू यादव की लहर भी जोरदार है। ये जो दुकानें बंद हुई हैं इससे भी साफ साफ जो है कहीं ना कहीं दिख रही हैं चीज़ें कि चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। लोग कहीं ना कहीं साफ 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 तौर पर कहे तो बिहार के चुनाव पर ज़्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है, केंद्र के चुनाव में फिर भी लोग मोदी सरकार के कामकाज पर भरोसा जता रहे हैं। क्या कुछ होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।